subscribe my channel, like my video, press the bell icon. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अम्मी का जहां। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपके सामने फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूं। ये है तिल और बाजरे की टिक्की। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी रहती है ये। एकदम कुकीज़ की तरह आपको दिख रही होगी, ये बहुत क्रिस्पी रहती है। तो चलिए इसे आप ज़रूर ट्राई भी करना ये रेसिपी को। और ये रेसिपी में बहुत कुछ बताई हूँ, तो आप रेसिपी एंड तक देखना। और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो हमें चाहिए होगा 1 कप तिल, 1.5 कप गुड़, 2 कप बाजरे का आटा। तो चलिए अभी से बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पानी है हमारा वो बॉईल हो गया है। इसके अंदर अब हम गुड़ ऐड करेंगे हमारा। अच्छे से इसे मिक्स करना है हमें, गुड़ को और जो पानी है हमारा उसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है और उसे मेल्ट कर लेना है। यही से हमको जो हमारा आटा है उसको सानना रहेगा। एकदम अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेना है हमें। देखिए जो हमारा गुड़ है वो एकदम अच्छे से पानी में मेल्ट हो चुका है। चलिए अब एक पैन लेना है, उसके अंदर हमको जो हमारे तिल है उसको रोस्ट कर लेना है। और आपको पता ही होगा, मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि जब तिल फूटने लगे बाहर आए, इसका मतलब जब जो तिल है वो रोस्ट हो चुके रहती हैं। देखिए तिल को एकदम अच्छे से रोस्ट करना है हमें। तिल को जो है वो ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करने का, नहीं तो वो कड़वी हो जाती है। सिर्फ जब तक वो चटक जाए मतलब फूटने लगे तभी तक करने का, वरना वो कड़वी भी हो जाती है तो टेस्ट उससे भी नहीं आता है। देखिए एकदम अच्छे से जो है हमें मिक्स करना है। देखिए आपको दिख रहा होगा जो तिल है वो ऊपर आ रही है फूटकर, देख सकते हैं आप। इसका मतलब हमारी जो तिल है वो रोस्ट हो चुकी है, भुंजा चुकी है। चलिए अब इसे हम ठंडी होने देते हैं। कुछ देर तक इसे ठंडा करना है हमें, ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। और ये तिल और बाजरे के आटे की जो टिक्किया है ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही ताकतवर होती है। इसके अंदर जो तिल है और जो गुड़ है वो दोनों ताकत की चीज़ है। बाजरे का आटा है वो भी बहुत ताकत की चीज़ है, बहुत फ़ायदा देता है। बच्चे बड़े सबको इसे ज़्यादातर ठंडी में भी खाया जाता है, ठंडी में और मज़ा आता है खाने के लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस भी लाइक कर दो। तो देखिए जो हमारी तिल है वो रोस्ट हो चुकी है। अब हमारा जो गुड़ है उसको हम छानेंगे, इसके अंदर जो भी कचरा लकड़ी वगैरह होती है वो सब छन जाए। ताकि देखिए छन गई है लकड़ियाँ जो थी गन्ने की, वो सारी निकल गई है। अब हमारा जो बाजरे का आटा है उसके अंदर हम तिल ऐड करेंगे। तिल को हमने ठंडा होने रखा था, इसे भी एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो आटा है इसे हमें यही गुड़ के पानी से सानना है। थोड़ा थोड़ा हमें लेना रहेगा पानी, थोड़े थोड़े पानी से आटा हमें सानना है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को टिफिन में देने के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है और इससे एनर्जी भी मिलती है। और ये बड़े बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं, क्योंकि इससे दर्द भी जो रहता है वो भी कम होता है, दर्द के लिए भी फायदेमंद है ये। देखिए जो आटा है वो मिक्स हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये जब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए तिल और जो आटा है हमारा वो एकदम, तो इसे 10 मिनट के लिए हमें रख देना है। एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो आटा है उसके अंदर मीठापन आ जाए, आटा मीठा हो जाए। अब इसे हमें 10 मिनट तक रख देना है।
तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हम गोली भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसे गोली बनाकर इसकी इसकी टिकिया बनाना रहेगी हमें। देख सकते हैं आप, टिकिया भी बन रही है। आपको जितनी बड़ी टिकिया चाहिए आप उतनी बड़ी ले सकते हैं, बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, छोटी साइज में चाहिए आप छोटी गोली बनाकर उसे टिकिया बनाएं, बड़ी चाहिए बड़ी बनाकर आप बनाएं, आपके ऊपर है। और साइड में देखिए हमने तेल चढ़ा दिए गर्म होने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी टिकिया बन रही है, देख सकते हैं आप। जो टिकिया है हमारी वो तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे तेल में डालने की बारी आई है, तो चलिए इसे तेल में डालते हैं। आराम आराम से एकदम आपको डालना है, जितनी आएगी सिर्फ उतनी ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। और इसे आपको मीडियम आंच पर जो है वो फ्राई करना है, तो जो टिकिया है हमारी वो क्रिस्पी रहेगी। तो आप मीडियम आंच पर ही रख कर फ्राई करना, क्रिस्पी और कुरकुरी एकदम रहेगी आप मीडियम आंच पर करोगे तो। और तेल अच्छे से जब लाल हो जाए तभी आपको इसके अंदर टिकिया को डालना है, उससे पहले नहीं डालना है आपको। देख सकते हैं आप, देखिए ये एक साइड की जो टिकिया हमारी वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे हमें अलट पलट कर जो है वो दोनों साइड की ब्राउन गोल्डन ब्राउन करना है टिकिए को। देख सकते हैं आप, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कि कैसी लगी आपको। देखिए इसका कलर भी जो कितना प्यारा आ रहा है, एकदम ब्राउन ब्राउन। और अभी इसे निकालना है हमें, तो हम जब इसे डिश आउट करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा प्लेट या ट्रे ले लेना, उसमें टिश्यू रख लेना आप, ताकि जो तेल है वो पूरा सोक कर ले टिश्यू। देखिए अब ये लाल हो रही है, ब्राउन हो रही है, देख सकते हैं आप। अलट पलट कर आपको करते ही रहना है, वरना जल जाती है तो वो भी नहीं अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा लाल हो जाती है वो भी नहीं अच्छी लगती है। तो चलिए इसे अब हम निकालेंगे, आप देख सकते हैं हम इसे निकाल रहे। अभी हम इसे जब डिश आउट कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इतनी अच्छी ब्राउन कलर की हो गई है, देखिए एकदम दूर से हमारे जो चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट्स आते हैं ये एकदम वैसे ही दिख रहे हैं। बच्चे लोग को अगर नहीं भी पता होगा तो वो बिस्किट समझकर खा लेंगे। आप इन्हें टिफिन में जरूर देना और जब शाम में नाश्ता लगता है बच्चों को तब भी आप दे सकते हैं। देखिए सेकेंड फिर अभी हमने डाल लिया सेकेंड राउंड, देख सकते हैं आप। इसे भी हम वैसे ही निकालेंगे जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, फिर अलट पलट कर भी इसे ब्राउन करना रहेगा, उसके बाद इसे भी निकालेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं। देख सकते हैं आप ये राउंड भी हमारा तैयार हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे आप। देखिए ये भी एकदम ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं आप। चलिए इसे भी हम निकालते हैं। तो देखिए जो हमारी बाजरे और तिल की टिकिया है वो बिल्कुल फाइनली रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं एकदम कुकीज की तरह दिख रही है, और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है आप देख सकते हैं। ये बच्चों को आप जरूर देना, उनसे एनर्जी भी आएगी और ये एकदम कुकीज की तरह दिख रही है, बिस्किट्स की तरह दिख रही है, तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को और हमें ऐसे सपोर्ट देते रहो। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन।